पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम का भाई करंट फेस थोड़ा सा दिक्कतों के भरा हुआ चल रहा है, जहां पर लगातार भाई बाबर आजम की ट्रोलिंग हो रही है, लगातार बाबर आजम को लोग हेट कर रहे हैं, बैशिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। भाई वजह क्या है? वजह है भाई बाबर आजम की कप्तानी। एशिया कप 2023 भाई बड़ी उम्मीदों के साथ शुरू किया था पाकिस्तान के अवाम ने, पाकिस्तान के फैंस ने, उनको लग रहा था भाई कम से कम ये वाला जो टूर्नामेंट होगा इसके अंदर कम से कम हम फाइनल तक पहुंचेंगे और हो सकता है हम टाइटल भी जीतें। यानी कि उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी पाकिस्तान के अवाम को, पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम से, पाकिस्तान क्रिकेट से। लेकिन भाई रिजल्ट थोड़े से ऑपोजिट आए। जो लीग सेस था उसके अंदर तो भाई बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की फूंफ आती, लेकिन उसके बाद जैसे भाई सुपर फोर आया, सुपर फोर के पहले मुकाबले के अंदर पहले भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराया, उसके बाद भाई अगले मुकाबले के अंदर श्रीलंका ने भी पाकिस्तान को हराया। नतीजा क्या था? नतीजा भाई बड़ी हार मिली पाकिस्तान को दोनों ही मुकाबलों के अंदर, और जो बैशिंग थी सोशल मीडिया के ऊपर वो बहुत ज्यादा होने लगी। भाई बाबर आजम का कंट्रीब्यूशन सिर्फ नेपाल के अगेंस्ट निकला, उसके बाद भाई लगातार जितने भी बचे हुए मैचेस थे उसके अंदर बाबर आजम का कंट्रीब्यूशन नहीं निकला। तो भाई वर्ल्ड का नंबर वन बैटर, वर्ल्ड की नंबर वन टीम के ऊपर सवाल उठना तय थे, तो भाई लगातार यहाँ पर सवाल उठते रहे। और एक समय ऐसा आ गया कि वर्ल्ड कप से पहले बाबर आजम से इस्तीफा भी मांगा गया, और जो खबरें आ रही थी कि ड्रेसिंग रूम का जो माहौल है वो भी ठीक नहीं है, ड्रेसिंग रूम के अंदर बहुत ज़्यादा तनाव भरी स्थिति है। लेकिन भाई इन सबके बीच बाबर आजम के जो पिता है उनका भाई एक बयान यहाँ पर वायरल हो रहा है काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि भाई उनके बेटे बाबर आजम को बहुत ज़्यादा हेट मिल रही है, तो एक हेट करना थोड़ा सा जस्टिफाई नहीं होता। और कहीं ना कहीं भाई इसके चलते बाबर आजम के पिता जो है उन्होंने भाई अपने बेटे अपने सुपुत्र बाबर आजम का साथ दिया है, और एक बयान आया है उनका, आइए जान। जो ईर्ष्या करता है उसे ईर्ष्या की आग में जल जाना चाहिए, वो क्षमा क्या बुझेगी जो खुदा जलाता है। नमस्ते पाकिस्तान, ये तस्वीर आपने हजारों बार देखी होगी, शायद बाबर दोबारा मेरे साथ इस तरह खड़ा नहीं हुआ। मैं उस वक्त दोहरे नमूने का हूँ, 2 साल तक शिकार और बिस्तर पर पड़ा था। ये फादर्स डे की तस्वीर है, यह मेरे लिए सफारी सूट लाया और मुझसे खड़े होने की ताकत नहीं थी, इसलिए उन्होंने ये तस्वीर बनाने में मेरी मदद की। भगवान का शुक्र है कि उन्हें अच्छा स्वास्थ्य मिला और अब हमारी जिंदगी व्यवस्था यह है कि हमारे पास माता पिता की प्रार्थना। ये जो बड़ा ही इमोशनल मैसेज वायरल हो रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, जो बाबर आजम के जो पिता है उन्होंने भाई अपने बेटे के लिखा, जहाँ पर हार्श टाइम चल रहा है बाबर आजम का, भाई अपना सपोर्ट दिखाया। इसके अंदर बताया गया बाबर आजम के पिता ने कि जो फोटो है ये बाबर आजम अपने पिता के लिए सफारी सूट लेकर आए थे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि आप मेरे साथ फोटो खिंचाइए, लेकिन भाई बाबर आजम के पिता की जो हेल्थ है वो समय पर ठीक नहीं थी, और कहीं ना कहीं इसके चलते बाबर आजम ने ये फोटो को कैसे कैसे जुगाड़ किया। तो भाई ये एक बहुत ही इमोशनल स्टोरी, कहीं ना कहीं ऐसे हार्ड टाइम के ऊपर ऐसा सपोर्ट आना एक बहुत अच्छी बात होती है। देखने वाली बात होगी भाई आने वाले टाइम के अंदर क्या फैन समझ पाएंगे बाबर आजम के पिता का दर्द, बाबर आजम का दर्द, और जब आपके कप्तान आपको नंबर वन तक पहुंचते तो वह पीछे खड़े होते हैं। लेकिन थोड़ा सा अगर हार्ड टाइम आया, 2 मैचेस के हार गए, अपनी अपनी पूरी टीम को पूरा जज कर लिया और बैशिंग चालू हो गई, किंग को नीचे गिराने में समय नहीं लगा पाकिस्तान की आवाम को। हम सब चाहेंगे भाई जो पार्ट टाइम फैंस है वो दूर रहें क्रिकेट से, क्रिकेट को ना ही देखें तो बेहतर रहेगा, क्रिकेट को क्रिकेट की देखेगा क्रिकेट की तरह देखें, अप्स एंड डाउन चलता रहता है। विराट कोहली का बहुत हार्ड टाइम था, लगातार वो 2-3 साल तक शतक नहीं मार पाए थे, लेकिन फिर भी कमबैक किया, कमबैक बखूब किया। तो भाई बाबर आजम का जो कमबैक है वो बहुत शानदार होगा, हम सबको पता है। फिलहाल इस वीडियो